आप जेन्युइन अपॉलॉजी चाहते हो अपने पर्सन से और साथ ही साथ एक ऑनेस्ट कन्फेशन जिसमें वो आपको कन्विंस कर पाए कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी आप दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते थे। ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन शुरुआत में काफ़ी अच्छा था लेकिन बाद में काफ़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई जिस वजह से आप एक दूसरे से दूर हो या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। वो अक्सर आपको इग्नोर करते थे या आप पर ध्यान नहीं देते थे। इट फील्स कि उनकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग थे या आपसे ज़्यादा वो दूसरों को इम्पोर्टेंस देते थे। आई फील कि आपके कनेक्शन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। शुरुआत में आप दोनों ही रेडी नहीं थे इस कनेक्शन को फ्यूचर तक ले जाने के लिए। हालांकि आपके मन में काफ़ी सपने थे अपने पर्सन को लेकर क्योंकि आप उनको बहुत चाहते थे और उनके साथ कंफर्टेबल रहते थे। लेकिन आपका पर्सन रेडी नहीं था कमिटमेंट देने के लिए। उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से उन्होंने आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दी। आई कैन सेंस कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स भी किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई थी। आपका पर्सन किसी और से भी मिल रहा था या उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये कनेक्शन आगे तक जाए। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि उन्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर रोकता था जिस वजह से वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। आई कैन ऑल्सो सेंस कि पहले आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें आप एक दूसरे से बात कर लेते थे या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिल लेते थे। लेकिन जब से आप अलग हुए हैं तब से आपका मिलना जुलना भी जैसे बंद सा हो गया है और इस वजह से आपके बीच दूरी और ज़्यादा बढ़ गई है। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन के कुछ ऐसे शौक थे जो आपको पसंद नहीं थे या उनके बिहेवियर में कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो आपको समझ नहीं आते थे और जो आप चाहते थे कि वो अपने आप में बदलें। लेकिन उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से काफ़ी ईगो था जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि खुद को बदलें। इवन वो इमेज कॉन्शियस भी हैं, उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई फील कि उन्हें आपकी वैल्यू नहीं पता थी या वो आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए। आपने इस कनेक्शन में अपने एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट किया और वो इसको हल्के में लेते रहे या वो उतने एफर्ट्स नहीं कर पाए क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। वो अपनी इमेज को मेंटेन रखने के चक्कर में इतना खो गए थे कि उन्हें अपने कनेक्शन की परवाह नहीं रही। आई सी कि वो आपको बुरा भला कहा करते थे, अक्सर आपको सुना दिया करते थे या बिन बात के ब्लेम करते थे जिस वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एंड आई कैन सेंस कि आपने डिसीजन लिया इस कनेक्शन से दूर होने का या सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई जिस वजह से सब खुद पर खुद बिखर गया। बट आई अप्रिशिएट कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। ये सेपरेशन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी है और बेनिफिशियल भी। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आपके अंदर आज भी आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए। बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि ये सेपरेशन आपको एक मौका दे रहा है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को खुद ही में ढूंढने के लिए, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि आप डिज़र्विंग हैं, वर्दी हैं ट्रू एफर्ट्स के। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि आपका पर्सन अंदर ही अंदर काफ़ी पछताता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया या आपको वक्त नहीं दिया। उस वक्त वो समझ नहीं पाए लेकिन अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत प्यार करते थे उन्हें और बहुत एफर्ट्स डालते थे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो वो नहीं डाल पाए। इट फील्स कि वो देख पा रहे हैं कि जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना किया या जिनको दिखाने के लिए उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, आप पर ध्यान नहीं दिया, वो आज किसी काम के नहीं हैं। उनको एहसास हो रहा है कि जो असल मायने में उनकी फिक्र करते थे वो आप थे
और उनको ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत हार्श और रूड बिहेव किया। वो सोचते हैं कि आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं, बट फिर भी वो आगे चल के कोशिश करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट और एडमिट करनी चाहिए और आपको ये यकीन दिलाना चाहिए कि वो सच में बदल रहे हैं। डीप डाउन आई फील कि आप ये सोचते हो कि उन्होंने आपको समझा नहीं और इस वजह से आपके बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन हुई है जो कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। इस वजह से भी आप स्ट्रेस्ड रहे हो क्योंकि आपकी कई बातें या कई दर्द बयान नहीं हो पाए जिनका आपको बहुत दुख है। इट फील्स कि आपके पर्सन ने आपको इमोशनली ड्रेन किया है और आप डिप्रेशन फेज में भी रहे हैं या बेहद परेशान रहे हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सेंस कि आप आज भी अपने पर्सन का अच्छा सोचते हो और आपको लगता है कि उनका और आपका करेक्टर एक दूसरे से मेल नहीं खाता। आप जेन्युइन अपोलॉजी चाहते हो अपने पर्सन से और साथ ही साथ एक ऑनेस्ट कन्फेशन जिसमें वो आपको कन्विंस कर पाएं कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। ऐसी आप दोनों अचानक से ही एक दूसरे के प्यार में डूब गए। आपको चीज़ों की समझ नहीं थी कि इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं और इसलिए भी आपके बीच बहुत प्रॉब्लम्स आई। आपका पर्सन अक्सर आपको ब्लेम किया करता था कि आपकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या आपकी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो सकता है। इट फील्स कि उन्होंने कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया और काफ़ी नैरो माइंडेड रहे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे उन्हें समझ आता चला गया कि वो बहुत गलत थे और सबसे बड़ी गलती उन्होंने आपको ब्लेम करके की। उन्हें ये आज एहसास होता है कि सारी गलती उनकी थी और आप बेकसूर थे। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी इनोसेंट हैं जो आपने इतना सफ़र किया और इतना मिसबिहेव झेलने के बावजूद भी उनके साथ खड़े रहे। डीप डाउन वो आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं जो आपने उनसे दूर जाने का लिया। वो समझ पा रहे हैं कि आप बहुत थक चुके थे या आप इस कनेक्शन से बहुत तंग आ चुके थे जो आपने फैसला लिया। वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो आपकी जगह पर होते तो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते जिस तरीके से आपने हैंडल किया। आई गेट अ वाइब कि वो आपको मनाने आ सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत याद करते हैं और अब उनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मुलाकात आपके साथ हो सके जिसमें वो अपने दिल की बात आपके आगे रख पाएं। वो सोचते हैं कि आप बहुत खुश होंगे उनका ये नया अवतार देख के, लेकिन डीप डाउन वो काफ़ी डरे हुए भी हैं क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें रिजेक्ट करो क्योंकि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसी कि वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपकी फैमिली के थ्रू। वो आपको प्रपोज करने का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपको वैसा ट्रीट कर पाएं जैसा आप डिज़र्व करते हो। स्टिल वो बहुत दुखी हैं ये सोचकर कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और जो किया उन्होंने आपके साथ उसकी कोई माफ़ी नहीं मिल सकती। लेकिन उनके अंदर एक होप भी है कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दें, जो आई बिलीव कि आप कर देंगे क्योंकि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं जो दूसरों की ऑनेस्टी पर बिलीव रखते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आने वाले दिन आपके लिए बेहद स्पेशल होने वाले हैं। आपको वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते थे या जिसके आप लायक थे। जो प्यार और रिस्पेक्ट आपको पहले नहीं मिल पाई वो अब आपको मिलने वाली है। आप सून ट्रिप पर भी जा सकते हो या कोई एडवेंचरस जगह पर। आई कैन सेंस कि आप दोनों का ही फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहेंगे। इसके लिए आपका पर्सन आने वाले टाइम में जल्द एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट करेगा। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से आपके लिए एक एडवाइस निकालता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है।
द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। यूनिवर्स यहाँ आपको एडवाइस कर रहा है कि आप जिस भी ग्रेटर पावर, एनर्जी या भगवान को अपनी लाइफ में मानते हो, खुद को उसे सरेंडर कर दो। जब हम कुछ प्रे करते हैं और चाहते हैं कोई स्पेसिफिक आउटकम निकले, तब हम यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि हमें पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम खुद के कंट्रोल में हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हम यूनिवर्स को, भगवान को मौका ही नहीं दे रहे कि वो हमारी सिचुएशन को अपनी मर्जी से, अपनी एनर्जी से डायरेक्शन दे। इच्छाएं होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस इच्छा को मांगने के बाद आपको यूनिवर्स को ये भी सिग्नल देना है, कहना है कि जो भी आपके लिए बेस्ट है यूनिवर्स, वो आपके लिए करे। कंप्लीट सरेंडर। क्या किस्मत आप दोनों को फिर से आमने सामने खड़ा कर देगी? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगले टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।